गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ ट्रीज। लेट्स रीड द चैप्टर। लेट एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन। दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। ये जो स्टोरी है ये एक इंटरेस्टिंग सा कन्वर्सेशन है एक फादर और सन के बीच में। दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज, वो ट्रीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता के बारे में बातें कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। रोहन, फादर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, देन यू गेट वेरी टायर्ड एंड डोंट प्ले विद मी। रोहन अपने पापा से कंप्लेन कर रहा है कि पापा आप पौधों के देखभाल में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आप मेरे साथ नहीं खेलते हैं। फादर स्माइल्स, डोंट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट ट्रीज आर फॉर अस। विदाउट ट्रीज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू लाइव ऑन अर्थ। फादर स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे। रोहन, यस फादर, आवर टीचर टोल्ड अस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सी सेड दैट इफ देयर वर नो ट्रीज वी वुड नॉट बी देयर टू। हाँ पापा, मेरे टीचर ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि अगर पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं होते। दिस इज़ बिकॉज ट्रीज टेक इन द बैड एयर दैट वी ब्रीथ आउट एंड गिव अस गुड एयर। जो ट्रीज़ होते हैं वो बैड एयर मतलब पॉल्यूटेड एयर में, प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं ताकि हम शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा में सांस ले के सकें। वे हमें शुद्ध वायु देते हैं। फादर, अब पापा उनसे कहते हैं, यस ट्रीज़ आर वंडरफुल थिंग्स। हाँ, ट्रीज़ बहुत ही वंडरफुल थिंग है, एक अनोखी गिफ्ट है नेचर की तरफ से हमारे लिए। बिकॉज दे गिव्स अस गुड एयर, वो हमें शुद्ध वायु देते हैं। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे गिव्स अस फूड, वे हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। दे ऑल्सो गिव्स अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड गम रबड़ एंड मेनी मोर थिंग्स। वो हमें लकड़ियाँ भी देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, गम गोंद रबड़ और भी बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो हमें शुद्ध वायु देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, फूड देते हैं, जैसे कि फल अनाज हमें किससे प्राप्त होता है? ट्रीज़ से। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि ट्रीज़ हमारे लिए क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। जब आपका नेक्स्ट टर्न होगा तो आपको आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आगे के पैराग्राफ पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करिएगा।